साइड से मार हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हमारे पास ये वाला आईसी है क्या? नहीं है। मतलब ये आईसी ऑलरेडी किसी ने निकाल दिया है। ऑलरेडी किसी ने निकाल दिया है। हमें इस फोन को पूरी तरीके से क्या करना है? ऑन करना है। हमें यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर यूज करना होगा? चेंज का प्रोसीजर। कौन सा? चेंज का प्रोसीजर में कोड क्या है? कंफर्टेबल आईसी कितने तरीके से ढूंढ सकते हैं? चार तरीके से। नंबर वन कौन सा है? फोर माइक्रो डीबी को ऐसे फोर माइक्रो डीबी। तीसरा नंबर क्या है? मतलब ओनली फॉर फ्लैश फाइल से हम कंफर्टेबल आईसी ढूंढ सकते हैं। तो मीडियाटेक में हमेशा कौन सा तरीका यूज करना है? फ्लैश फाइल वाला। तो हमेशा तीसरा नंबर वाला। तो यहाँ पे तीसरा नंबर वाला ऑप्शन यूज करने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? यूएफआई की कौन सी ऑप्शन में? तो फैक्ट्री मेल में आ जाते हैं। फैक्ट्री मेल में आने के बाद यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होगा? यहाँ पे मीडियाटेक सिलेक्ट कर लेते हैं। मीडियाटेक सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो फ्लैश फाइल है, कौन सी फाइल है? फ्लैश फाइल में से कौन सी फाइल लेना है? स्कैटर फाइल। स्कैटर फाइल को उठा के कहाँ डालना है? सर यहाँ पे डाल देना है। जैसे डाल देंगे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? इन्फॉर्मेशन। और इस इन्फॉर्मेशन में कहाँ पे आके माउस रखना है आपको? प्रोडक्ट नेम के ऊपर, है ना। तो हमारे पास एक आईसी है, हम देखते हैं इसका जो पार्ट नंबर है ये मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक, ये सैमसंग की आईसी है, तो हर एक में आके मैं रखूंगा 514। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। के एम जी एक्स नहीं सर, के एम जी एक्स डबल जीरो सिक्स डबल जीरो वन बी ए बी 514। चलो ये हमारा क्या मिल गया? ये 300 वाला किसने दिया था? ये वाला किसने दिया था? एस के इंग्लिश वाला आपने दिया था। ये वाला किसने दिया था मुझे? राज आप हो तुमने दिया। तो हमने कंफर्टेबल आईसी ले लिए। अब हमें इसको विदाउट डंप करना है। क्या करना है? विदाउट डंप। हमारे पास डंप फाइल भी अवेलेबल नहीं है। डंप फाइल भी नहीं है, है ना। विदाउट डंप, विदाउट डंप में प्रोसेस क्या क्या लिखा हुआ है? तो राइटिंग में जाने से पहले हमारे इस सी के बाद क्या लिखा हुआ है? डी। सी के बाद डी। तो डिटेक्ट करें? यस सर। तो आइडेंटिफाई करें। डिटेक्ट करने के बाद देखते हैं इसकी आईसी है, सही इंफॉर्मेशन आ रही है कि नहीं। तो इसमें इंफॉर्मेशन आ रही है, और इंफॉर्मेशन में मुझे मिल रहा है कि ये जो आईसी है कितने जीबी की है? 32 जीबी की है। कितने जीबी की है? 32 जीबी। ठीक है ना। और यहाँ पे हमें सब कुछ ओके है। तो सी के बाद डी हो गया। डी के बाद क्या लिखा हुआ है? डी के बाद चेंज करवाना।
अनिल यहाँ का बीट चेंज कर दो जरा, अनिल बीट चेंज कर दो, बीट चेंज कर दो उनका। क्या निकाल रहे हैं आप? ब्लैक पेस्ट्री ले रहा हूँ आपका। Yeah.
तीसरा दिन है यूएमसी में, तीसरा दिन है आपका, और ब्लैक पेस्टेड में आप कैसा काम कर पा रहे हैं? ब्लैक पेस्टेड एक टिपिकल वर्क होता है जी सर, बहुत टिपिकल वर्क होता है। ब्लैक पेस्टेड में बहुत लोग फंसते हैं, है ना, पेट्स टूट जाते हैं, बोर्ड कटिंग हो जाता है, बोर्ड कट जाता है, स्क्रेचेस आ जाते हैं, आईसी आईसी वापस डबल से लगाने लायक नहीं रहती है, है ना। तो अभी जो आप काम कर रहे हो, तो ये क्या बहुत भारी टूल पे काम कर रहे हो क्या? नहीं सर, नॉर्मल। थोड़ा व्यूअर्स को बता दो आप कौन से स्क्रैपर पे काम कर रहे हो? स्क्रैपर है सर नॉर्मल, और पीसीबी स्टैंड वाला। बता दो आप कौन सी एसएमडी पे काम कर रहे हो? नॉर्मल एसएमडी है। कितने की ये होगी? ये 3000। कितने कितने की होगी? 2500। 2000 रुपये जी सर। नॉर्मल माइक्रोस्कोप है आपका? हाँ सर। है ना, 13500 में ये माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। तो कोई हैवी ड्यूटी वाला आपको सामान दिया है? नहीं सर, नहीं सर, नॉर्मल सामान है ना, नॉर्मल ही है सबके पास। सबसे पहले कि हर स्टूडेंट है कि इसको परचेस कर सकता ले सकते है ना, और अनिवार्य है जी, बिल्कुल। तो ये बताइए मेरे को कि अभी हैंड स्किल के बारे में पूछूंगा मैं, आपने आप सही सलामत पूरी आईसी निकाल दी सर, निकाल दिया। तो किस प्रकार का नॉलेज मिल रहा है आपको? तो बेबी स्टेप में मिल रहा है कि एकदम सर बता देते हैं उसके बाद तुमको छोड़ देते हैं कि तुम जाना नहीं सर? बताने के बाद प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और समझाते भी, कोई दिक्कत हो तो बताते भी। एक दो दिन बताए उसके बाद हम खुद से करने लगे। खुद से करने लगे जी सर। पहले दिन थोड़ी सी तकलीफ आई होगी, सेकंड डे आपका हाथ में, आज आपकी हैंड स्किल कैसी? बहुत अच्छी हो गई सर, आपके साथ ये लाइव निकाला हमने, लाइव निकाला हमने। अच्छा, और सेकंड चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि आपको जो सर ने आप लोग को डेड सेक्शन दिया था जी, वो डेड सेक्शन के बारे में, और अभी उस डेड सेक्शन की वजह से आपको मदद मिल रही कि नहीं? मिल रही है सर, उसी की वजह से हम कर पा रहे हैं। फिर एमएमसी पे काम करना वो समझ में आता है डेट के बाद, डेट के बाद जी। सर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?